हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम आए एक्चुअल साइट पे, है ना। तो आज साइट विजिट है और हम आए हैं बलिया के सबसे ऊंचे बिल्डिंग, और ये हैं सर साइट इंजीनियर। तो यही काम करा रहे हैं। कितना साल हुआ सर काम कराते हुए? 8 साल से बन रहा है। सोचिए अभी हम सबसे टॉप पर चलेंगे, आपको दिखाएंगे कितना ऊँचा है। तो ये सर एक मतलब पास आउट होने के बाद किसकी किसकी ज़रूरत पड़ती है कंस्ट्रक्शन लाइन में? जैसे साइट इंजीनियर बनेंगे आप तो कौन कौन सा सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है? तब तक हम ऊपर चल रहे हैं, तब तक सर बताएंगे कि आपको क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है ज़्यादातर। बिल्डिंग मटेरियल ए मेरे सर समझिए कि हम जब सेकेंड ईयर में थे ना, हाँ सर सेकेंड ईयर में, तब हम ही लोग के साथ रहते थे, बगल में ही रहते थे। और लगभग सर जी से संपर्क है हमसे 6-7 साल हो गया, समझिए जब से बिल्डिंग बन रहा है तभी से सर से कांटेक्ट में है। ये देखिए यहाँ लिफ्ट बन रहा है, अभी तो नहीं दिखेगा, अभी हम दिखाएंगे आपको। तो सर जी समझिए कि भाई पास आउट होने के बाद यदि गवर्नमेंट लग जाएगा तो कोई बात ही नहीं है। बहुत ऊँचा बिल्डिंग है भाई, थकान हो रही है, आवाज़ नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो सर जी समझिए क्या क्या ज़्यादा पढ़ना है ना कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए, क्या क्या आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप उसको इग्नोर करते हो, तो इग्नोर नहीं करना है, ठक रहा है। सर जी क्या है ना, एक लिफ्ट बना हुआ है उसी से सर जी जाते हैं, लेकिन मेरे वजह से हम कहें कि आज पैदल चलिए, तो पैदल का मजा लीजिए। सर जी 3-4 बार ऊपर जा चुके होंगे, ठीक है। ओह हम आ गए सबसे टॉप पे, वीडियो को बीच में कट कर दिए थे क्योंकि थके हुए आप लोग देखे अच्छा नहीं लगता है ना, तो थक थक लम चढ़ते थे, आराम करते हुए चढ़े हैं। ये देखिए कितना ऊंचा है ना, दिख रहा है आपको, फ्रंट कमरे दिखा रहे हैं आपको। तो सर जी बताएंगे अभी कि पास आउट होने के बाद या साइट पे जाने पे कौन सा सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीजिए सर जी बात करिए। मेरे ही सब भाई बहन हैं, ठीक है, अच्छे से बताइएगा किसकी किसकी ज़रूरत पड़ेगी। बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण 3 सब्जेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बिल्डिंग मटेरियल, ड्राइंग और एस्टिमेट। ड्राइंग की जब तक जानकारी नहीं रहेगी आपको, तो बिना ड्राइंग देखे बिना ड्राइंग समझे कोई बिल्डिंग काम आप नहीं करा पाएंगे, जब तक ड्राइंग समझेंगे। और सर आपका बिल्डिंग मटेरियल, और लोग फर्स्ट ईयर में उतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है, कोई भी हम ही लोग हैं तो बिल्डिंग मटेरियल को है चलो किस तरह पास हो जाना, इंटरेस्टेड भी नहीं लगता है। नहीं तो बिल्डिंग मटेरियल बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि मान लीजिए कि बिल्डिंग में चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, जब तक उसके बारे में आपको विधिवत जानकारी नहीं रहेगी तब तक उस मतलब बेहतर से कैसे काम करा पाएंगे और क्वालिटी कैसे चेक कर पाएंगे। और वही एस्टिमेट 3 सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है बिल्डिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, ड्राइंग तो हम लोग जानते हैं, ड्राइंग के बिना सिविल अधूरा है, ड्राइंग तो होगा ही होगा, लेकिन एस्टिमेट भी पढ़ना अच्छे से, अभी तो क्लास चल ही रहा है। और बिल्डिंग मटेरियल वो आपके लिए फर्स्ट ईयर में रहता है, अगर तो नहीं अच्छे से पढ़े होंगे तभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में भी कुछ पार्ट आता है, आप पढ़ सकते हैं इसको, है ना। तो और देखते हैं, कुछ नीचे चलते हैं, ठीक है, आइए सर चला जाए। इधर देखिए बन रहा है ना आपका मशीन रूम है, लिफ्ट का मशीन रहेगा, तो लिफ्ट के ऊपर मशीन रहेगा उसी तक चलेगा। और यहाँ आपका टंकी है क्या सर? हाँ टंकी। कितने मंजिल का है? AG+8। सामने बिल्डिंग बन रहा है वो भी आपका सर का ही, साइट इंजीनियर सर ही है उसके भी। तो क्या सर अभी वो साइट इंजीनियर वहीं का ना, तो अभी आपको दिखा रहे हैं बैक करके, और ब्रिज के पीछे जस्ट सबसे ऊंचा बिल्डिंग दिख जाएगा, ठीक है। देखिए बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा होगा, वहाँ के भी साइट इंजीनियर सर ही हैं। देखिए हम जूम कर रहे हैं, वाह है ना, देखिए दिख रहा है ना। तो वहाँ भी कभी आपको लेकर चलेंगे, वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ भी ज़्यादा काम नहीं हुआ है, तो वहाँ आपको मटेरियल ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए आपका बलिया का ज़्यादा प्लग कर रहा है, तिरंगा कहाँ गया अपना तिरंगा भाई, वेट ए मिनट, हाँ वाह देखिए दिख रहा है ना। तो हम लोग चल रहे हैं अब नीचे, क्योंकि सर जी को भाई ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो उनका सर जी का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए तो चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत है, ठीक है सर। कितने बार चलते हैं दिन में? वाह 10-11 बार, एक्सरसाइज अच्छे से हो जाता होगा।